पके हुए टमाटर की ये चटनी आजकल नेट पे बहुत वायरल हो रही है, तो इसीलिए आज मैंने भी सोचा कि मैं ये चटनी बनाऊं। मैंने बनाया, बहुत टेस्टी लगा, तो सोचा कि चलिए आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। प्लीज़ रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें क्या करना है, इस तरह से पके हुए टमाटर लेने हैं और सभी टमाटर को दो दो टुकड़ों में काट लेना है। तो देखिए मैंने सभी टमाटर को इस तरह से दो दो टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद से हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, तो जिसके लिए मैंने पैन में तेल ले लिया है। सरसों तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जस्ट इतना ही लेना है, 2 चम्मच के बराबर, और सभी टमाटर को हमें इसमें डाल के फ्राई कर लेना है। इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ें डालेंगे, वो क्या है आप देखते रहिए। ये देखिए तेल गर्म हो जाने के बाद से मैंने टमाटर को इस तरह से उलट उलट के सभी टमाटर को इस तरह से डाल दिया है। ये टमाटर की चटनी मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो मैं ये चटनी थोड़ा सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज नहीं करूँगी, तो आप लोग रेसिपी ध्यान से देखिएगा। ये रहा, मैंने सभी टमाटर को इस तरह से डाल दिया है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा हल्का सा एकदम से नमक डाल देना है, ताकि नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाएगा और हमको इसे चलाना नहीं है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से नमक छिड़क दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ज़्यादा नहीं, 15 सेकेंड के लिए पहले ढकेंगे। 15 सेकेंड हो जाने के बाद से हम इसको खोल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा, ये देखिए लहसुन, लहसुन को भी मैंने छीला नहीं है, जस्ट लहसुन को भी इसी तरह से हमें डाल देना है। और डाल के फिर से हमें इसको ढक के तब तक पकाना है जब तक ये एकदम सॉफ्ट होके उसके ऊपर वाले छिलके निकलने ना लगे। थोड़ी देर हो चुका है, ये देखिए, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए छिलके हटाने से छिलके हट जा रहे हैं, इसका मतलब कि टमाटर अच्छे से हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, सभी को मैंने इस तरह से प्लेट में रख लिया है, और हमें क्या करना है, हमें इसके छिलके सभी को इस तरह से हटा देना है। छिलके इजीली हट जाएंगे क्योंकि टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो मैंने क्या किया है कि सभी छिलकों को हटा लिया है, साथ में हमें लहसुन के भी छिलके को साइड कर लेना है। तो इस तरह से पकाने से छिलके भी जल्दी से निकल जाएंगे। तो सभी को छील लेने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि इन्हें अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए लहसुन के भी छिलके आराम से निकल जाएंगे, तो इसीलिए हमें इसमें लहसुन ऊपर से डाल के पका लेना है, कच्चा लहसुन नहीं डालना है। तो मैंने लहसुन और टमाटर दोनों को छील लिया है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि इसको बोल में डाल दिया है। ये देखिए एक एक करके हम सभी को इस तरह से बोल में रख लेंगे। इसके साथ हम लहसुन जो रखे हैं उसको भी इसमें हमें डाल लेना है। अब सभी को डालने के साथ साथ मैं हाथ से मसल रही हूँ, अगर आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसको मसल सकते हैं। तो एकदम से इसको पेस्ट बना लेना है। ये देखिए हाथ से ही मैंने किया, आराम से पेस्ट बन गया। इसके बाद से हमें प्याज डालना है, प्याज को एकदम से बारीक काट के डालना है। ये देखिए मैंने सभी प्याज को इस तरह से डाल दिए। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा हरा मिर्च डालना है, आप हरा मिर्च अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं कि लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, तो मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, अगर आपको लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। इसके बाद से हमें बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देना है, ये देखिए। और इसमें खास एक चीज़ है जो कि ज़रूर डालना चाहिए हमें, वो है नींबू का रस। अगर घर में नींबू का रस ना हो तो आप थोड़ा सा इमली का भी रस डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस ज़रूरी होता है। उसके बाद से हमें स्वाद अनुसार नमक ले लेना है। अब सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी। इसे आप 2-3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगती है। बाय बाय, टेक केयर।